नमस्कार दोस्तों, चीन का दादागिरी और चीन का हैकरी निकालने के लिए भारत का पूरा समर्थन पहली बार जापान और रूस ने किया है और जापान और रूस मिलकर भारत में जगह जगह अब अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। दोस्तों आप तो जानते हैं सातिर चीन का क्या इरादा है। सातिर चीन, चलाक चीन हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, लद्दाख का कुछ हिस्सा मेरा है। दोस्तों भारत सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और उसी के अंतर्गत अब चीन का चारों नल चित हो जाएगा। दोस्तों जापान ने कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे और एक तरफ से रसिया ने बोल दिया है कि हम लद्दाख में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि रसिया बोल रहा है कि हम 16 प्रोजेक्ट लद्दाख में करेंगे, यानी कि जहां जहां चीन से भारत का समस्या है वहां वहां पे अब चीन का दोस्त आके भारत का पूरा समर्थन किया है और बोला है भारत को कि आप टेंशन ना ले, हम भी आपके साथ है और खासतौर पर चीन के खिलाफ हम लोग मिल के साथ है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आखिर जापान की ओर से क्या बयान आया है और रूस क्या चाहता है। उन सबसे पहले एक बार जान लीजिए, दोस्तों आप तो जानते हैं रूस भारत का सादा हाथ बाहर फ्रेंड है, यानी कि रूस आज से नहीं, रूस शुरू से ही भारत का समर्थन दे रहा है। 1947 के बाद भारत का सबसे परम मित्र कोई है तो रूस है और इजराइल है, आप तो जानते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे मित्र के मन में यह शंका होगा कि जापान भारत का समर्थन दे सकता है, जापान ऐसा क्यों करेगा, जापान को भारत से क्या लाभ है जो भारत का समर्थन देगा, क्या जापान कभी भारत का अभी तक कभी भी समर्थन दिया है। दोस्तों पहले तो मैं आपको जापान के बारे में पूरा डाउट क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। दोस्तों जापान भारत का आज से मदद नहीं कर रहा है, जापान भारत को लगभग आज से 80 साल पहले से मदद कर रहा है। दोस्तों आप तो जानते हैं जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय पूरी दुनिया अंग्रेज से डरता था, लेकिन छोटा सा जापान ही भारत का पूरा समर्थन दिया था और सुभाष चंद्र बोस को वहाँ पर रहने का दोस्तों आज्ञा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जापान में जाकर दोस्तों हिंद फौज की शुरुआत की थी और सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि बहुत जल्द जापान की सेना के साथ मिलकर भारत से अंग्रेजों को भगाया जाए, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य था भारत का कि सुभाष चंद्र बोस का एक प्लेन दुर्घटना में मौत हो गया था 1945 में। उसके बाद दोस्तों देश आज़ाद नहीं हो पाया और 3 साल बाद जाके देश आज़ाद हुआ था। तो आप समझ जाए कि भारत और जापान की मित्रता कब से है। अब आप लोग जानिए दोस्तों आखिर जापान चाइना के खिलाफ जाके भारत का समर्थन क्यों कर रहा है। दोस्तों आप तो जानते हैं 1905 के बाद दोस्तों जापान एक बहुत ही ताकतवर मुल्क बन गया था। 1905 में दोस्तों जापान और रसिया के बीच युद्ध भी हुआ, आप जानते हैं जापान और रूस के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों एक छोटा सा जापान रसिया को हरा दिया था। उस समय रसिया को घमंड था कि हम जापान को हरा देंगे और रसिया ही ने दोस्तों जापान पर युद्ध छेड़ दिया था और नतीजा यह हुआ कि जापान ने 1905 में रसिया को हरा दिया। उसके बाद दोस्तों जापान 1910 में पूरे कोरिया पे कब्जा कर लिया, पता है इतना पावरफुल हो गया था, 1910 में जाके पूरे कोरिया पे कब्जा कर लिया और जापान पूरे दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद दोस्तों जापान ने चीन के मंचूरियन पे कब्जा किया, धीरे धीरे आधा चीन पे कब्जा कर लिया। दोस्तों चीन का जो भी बीजिंग वीजिंग जितना भी बड़े बड़े शहर है सब पे कब्जा किया था जापान 1910 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद दोस्तों लगातार चीन उस पर राज कर रहा था। जब 1931 हुआ दोस्तों एक बार फिर चीन ने जापान से युद्ध छिड़ा और जापान ने चीनियों को फिर हराया और चीन का और हिस्सा कब्जा कर लिया। उसके बाद दोस्तों 1945 तक जापान कोरिया पे राज किया और चीन पे राज कर रहा था, लेकिन दोस्तों 1945 में आप तो जानते हैं अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसमें लाखों लोगों की जान दोस्तों चला गया था, एक क्षण में लाखों लोगों का मृत्यु हो गया था और दोस्तों जापान को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा था वहां पे और जापान युद्ध हार गया था। और उस समय दोस्तों जापान कोरिया को छोड़ के और चीन को छोड़ के अपने देश लौट गया था। उससे पहले दोस्तों 1931 में जापान और चीन के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जापान के सैनिक ने लगभग 3 लाख चीनी सैनिक को मार दिया था, यानी कि जापानी सैनिक एक छोटा सा सैनिक चीन में घुस के 3 लाख चीनी सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था। और दोस्तों अब तक का सबसे खराब चीन का ये हार था, पता है चीन इससे बुरा हार कभी हरा ही नहीं था अभी तक में, है ना। और इसीलिए दोस्तों चीन को हमेशा इसी बात का मन ही मन टेंशन रहता है कि भाई हम जापान से कैसे हार गए थे उस समय, और चीन चाहता है कि जापान अब चीन से माफ़ी मांगे। और यही कारण है दोस्तों कि चीन का पूरा नागरिक जापान से नफरत करता है और जापान का भी 90% नागरिक जो आम जनता है वो भी चीन से नफरत करता है, यानी कि चीन और जापान में कभी भी संबंध अच्छा हो ही नहीं सकता है। और ये बात मैं नहीं कह सकता दोस्तों, एक बार
आज से 5-10 साल पहले जापान के विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन और जापान का रिश्ता आज से अच्छा नहीं है, चीन और जापान का रिश्ता कभी अच्छा रहा ही नहीं, यानी कि 1500 साल में कभी भी चीन और जापान का रिश्ता बेहतर नहीं था, इसीलिए आने वाले समय में भी चीन और जापान का रिश्ता बेहतर नहीं हो सकता। दूसरी ओर बात करें दोस्तों, तो जापान ने चीन को हर मोर्चे पे घेरने का प्रयास किया, लेकिन चीन ने जापान का पूरा टेक्नोलॉजी कॉपी कर लिया। दोस्तों आज जो चाइना बनाता है ना, मेड इन चाइना मोबाइल, मेड इन चाइना बल्ब जितना बनाता है, यह सब जापान का दोस्तों टेक्नोलॉजी कॉपी किया गया है, यानी कि चाइना जापान और साउथ कोरिया का टेक्नोलॉजी को कॉपी कर करके आज इतना पावरफुल देश बना है दोस्तों। यही बात जापान को अब खल रहा है। जापान सोच रहा है कि जो चाइना मेरा कभी गुलाम था, जो चाइना मेरा टेक्नोलॉजी कॉपी किया, वही चाइना मुझे आज आंख दिखाएगा। दोस्तों चीन ने कई बार जापान को आंख दिखाया है, चीन को घमंड हो गया है कि हम बहुत पैसा वाला देश हो गए हैं, और इसी घमंड के नशे में साउथ चाइना सी में दोस्तों चीन का जितना भी पड़ोसी है सबसे उसे झगड़ा है। दोस्तों यहां तक कि चीन का 14 पड़ोसी है, 14 में से 13 पड़ोसी के साथ चीन को झगड़ा है, केवल पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप है और थोड़ा बहुत नेपाल के साथ मेल मिलाप है, बल्कि 12 और 13 जो पड़ोसी है उससे पूरा का पूरा दोस्तों चीन का झगड़ा ही झगड़ा है, और वो सब भारत का दोस्त बन चुका है आज। और चीन को घमंड है कि जापान अब कमजोर हो गया है तो जापान को हम घेरे। दोस्तों जापान चाहता है कि चीन को रोकने के लिए कोई मेरा साथ दे, और दुनिया में कोई चीन को रोक सकता है वो भारत है, इसीलिए जापान ने भारत सरकार का खुला समर्थन देना शुरू कर दिया है। दोस्तों जापान अब से समर्थन नहीं दे रहा है, जापान बहुत समय पहले से बोल रहा है भारत को कि आप मेरे साथ रहिए, हम लोग मिलकर चीन को काउंटर कर सकते हैं। इन सब का प्रमाण दोस्तों यह है कि जापान ने आज से 10 साल पहले से भारत सरकार को कई बार बोला है कि आप मुझे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दीजिए, यानी कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड जो राज्य है वहाँ पे जापान अब इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएगा, आप मुझे इजाज़त दें। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने कभी भी जापान को इजाज़त नहीं दिया, क्योंकि भारत सरकार को डर है कि चीन नाराज न हो जाए। देखिए दोस्तों जापान सोचता है कि हम भारत के सहयोग के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन भारत कभी भी इजाज़त नहीं दिया। इन सब के अलावा दोस्तों बहुत सारे प्रमाण है जो जापान हर बार भारत के साथ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों जब चीन और भारत के बीच में डोकलाम मुद्दा चल रहा था 2017 में, तो जापान ने सबसे पहले आके बोला था कि चीन गलत कर रहा है, मैं चीन का घोर आलोचना करता हूँ। यानी कि दोस्तों जो जापान 1945 के बाद किसी देश का आलोचना नहीं किया, क्योंकि 1945 में जापान पे बहुत बड़ा दोस्तों बम गिरा दिया था, इसीलिए जापान कभी भी किसी का आलोचना नहीं करता था। लेकिन 1947 के बाद 2017 में पहली बार भारत का समर्थन किया और चीन का आलोचना किया, इससे बड़ा साबित क्या होगा दोस्तों, यानी कि जापान चाहता है कि भारत से रिश्ता मेरा मजबूत हो। उसके बाद दोस्तों आप देखिए आरसीईपी में जैसे ही भारत ने ज्वाइन करने से मना किया, जापान ने सीधा तौर पर मना कर दिया और बोला कि मैं भी आरसीईपी ज्वाइन नहीं करूंगा, जब मेरा मित्र देश भारत ज्वाइन नहीं करेगा, जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं ज्वाइन क्यों करूं। और दोस्तों जापान ने भी आरसीईपी ज्वाइन करने से साफ तौर पर मना कर दिया और चीन के गाल में बहुत बड़ा तमाचा मार दिया। इन सबके अलावा दोस्तों जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन दिया है, और बुलेट ट्रेन में दोस्तों सबसे कम मतलब सस्ता रेट पे लोन दिया है, और भारत को दोस्तों एक तरह समझिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कम से कम 50 साल में लोन को चुकाना है, और लोन का रेट पता कितना है, 0.01% है दोस्तों लोन का रेट, यानी कि 50 साल बाद भी देगा ना तो थोड़ा बहुत लोन बढ़ेगा, यानी कि उतना ही पैसा देना पड़ेगा। यानी कि जापान सीधा चाहता है कि भारत से दोस्ती बढ़े। और इन सब के अलावा दोस्तों जापान ने भारत के साथ कई सारे समझौते कर लिए हैं रक्षा क्षेत्र में, इसीलिए जापान ने फिर बोला है, यानी कि इसी महीना दोस्तों जापान और भारत के बीच में 2+2 वार्ता हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें जापान ने फिर कहा है कि भारत सरकार मुझे इजाज़त दे ताकि मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकूँ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकूँ और चीन के नाक में दम कर सकूँ। दूसरी ओर बात करते हैं दोस्तों रूस के बारे में। दोस्तों रूस के बहुत सारे कंपनियां हैं जो चाहता है कि लद्दाख में जाके सोलर पे अपना इन्वेस्ट करूँ और सोलर प्लांट पर इन्वेस्ट करके भारत के साथ बिजनेस करूँ। दोस्तों रूस की ओर से कई बार भारत में इन्वेस्ट हो चुका है, जैसे ओला उबर हो गया और अरबों रुपये कमा चुका है रूस। तो रूस चाहता है कि लद्दाख में भारत का साथ दूँ और वहाँ पे सोलर सिस्टम में भारत के साथ मिलकर बिजनेस करूँ और आने वाले समय में बिजनेस में मुनाफा कमाऊँ। दोस्तों एक बात समझ जाइए, भारत ने एक तीर से दो निशाना लगाया है। पहला तो रूस का कंपनी अगर लद्दाख में काम करेगा और जापान का कंपनी अगर अरुणाचल में काम करेगा, तो चीन का कभी औकात नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना बोल
सके, क्योंकि उसे डर रहेगा भाई कि जापान और रूस वहाँ पे अब इन्वॉल्व हो चुका है। दूसरा फायदा दोस्तों, दूसरा फायदा अरुणाचल प्रदेश विकसित होगा और लद्दाख भी विकसित होगा और भारत का अर्थव्यवस्था भी सही होगा। इसीलिए भारत का मित्र ने, खासतौर पर जापान और रूस ने भारत का पूरा सहयोग दिया है और आप लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहिए। और दोस्तों भारत सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जिस तरह से जापान बार बार बोल रहा है भारत सरकार को मुझे मौका दीजिए अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने का, भारत सरकार को बिना डरे हुए, भारत सरकार बिना सोचे समझे दोस्तों, भारत सरकार हमेशा चीन के बारे में सोचता है कि चीन क्या सोचेगा। दोस्तों चीन को छोड़िए, अपने देश को सोचिए ना, भारत सरकार को बिना सोचे हुए जापान को वहाँ पे आने का न्योता देना ही चाहिए और रूस को भी वहाँ पे आने का, लद्दाख में आने का न्योता देना चाहिए, ताकि चीन का अकल ठिकाना लगाया जा सके। नहीं तो दोस्तों चीन आने वाले समय में और बढ़ चढ़ के भारत पे बोलेगा और भारत के चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।